सुन ले नीतीश, आजादी अरे लेकर रहेंगे, आजादी अरे गोली मारो, आजादी अरे लाठी चलाओ, आजादी अरे तानाशाह से, आजादी अरे बर्बर सरकार से, आजादी अरे हिटलर शाही, आजादी। लोग भी कैद हो गए, जब पूरे देश को टुकड़े टुकड़े में आप बांटोगे, एनआरसी आप 70 दशक के पहले कौन सा अनुसूचित जनजाति जाति अत्यंत पिछड़ा गरीब के पास कौन सा पासपोर्ट होगा, कौन सा कागजात है, क्या आप करने जा रहे हो? आप 12 लाख बिहारी झारखंड और यूपी के लोगों को आप एनआरसी के तहत निकाल दिए, और ऊपर से नॉर्थ ईस्ट जो अधिकार और संस्कृति की बात करता है वो चाइना में चला जाएगा। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करते हो, भूटान बर्मा चाइना श्रीलंका यहाँ नहीं है क्या? बांग्लादेश में रहने वाले हर हिंदू सब लोगों ने कह दिया यहाँ से आज़ादी तो और कहीं है ही नहीं, भारत में कौन जाने को तैयार है? जहाँ डर हो, जहाँ अभाव हो, जहाँ उन्माद हो, नफरत हो, जहाँ संविधान पर ही भरोसा न हो, जहाँ एक ही मात्र सहारा हो नफरत का, बैकवर्ड फॉरवर्ड एसटी एससी हिंदू मुसलमान, ऐसी चीजों से देश को चलाओगे? देश कहता है संविधान एक है, देश कहता है हम एक हैं, देश के 133 करोड़ कहते हैं कि मेरा ब्लड एक है, देश के 133 करोड़ कहता है कि मेरी डेमोक्रेसी एक है, जस्टिस मुझे एक दो, तुम कह दो नहीं, बच्चों की आवाज बंद कर देंगे, छात्र बोलने के लायक नहीं रहने देंगे, प्याज देंगे 200 रुपया, जेब से पैसा खत्म कर देंगे, बेटी को कैद कर देंगे, आलू देंगे 40 रुपया, दूध देंगे महंगा, रोजगार मिटा देंगे, और हिंदू मुसलमान का नफरत चलता रहेगा। जब आप अरे सुन ले नीतीश, आजादी अरे लेकर रहेंगे, आजादी अरे गोली मारो, आजादी अरे लाठी चलाओ, आजादी अरे तानाशाह से, आजादी अरे बर्बर सरकार से, आजादी अरे हिटलर शाही, आजादी। जी पप्पू जी, ये आज